तो आइए फर्स्ट चैप्टर क्लास टेंथ का, वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो ये परिभाषा वास्तविक संख्या के हम बहुत बार देख चुके हैं पहले। वास्तविक संख्या नंबर लाइन कभी आपने पढ़ा था? पढ़ा नंबर लाइन, ये होती है नंबर लाइन, समझ रहे हो ना? इस नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो, बीच में होता है जीरो, और एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, इधर माइनस जाता है और उधर प्लस। इट मींस माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, डॉट डॉट डॉट, माइनस इंफिनिटी, माइनस इनफाइनाइट, और इधर को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संख्या क्या है, तो जिस संख्या को हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उसको हम शो करा सकते हैं, वही होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वही क्या होती है? वास्तविक संख्या। समझ रहे हो ना? मतलब तुम जितने भी संख्याएं जानते हो, एक बटे दो, तीन बटे दो, माइनस पांच बटे चार, एक बटे तीन, दो, पांच, छह, आठ, दस, बारह, चौदह, सभी के सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। सभी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। समझ रहे हो ना? यस सर। अब कहोगे सब सब वास्तविक संख्याएं ही हैं, तो इसको लिखने की जरूरत क्या पड़ी? सब लिख देना चाहिए था संख्याएं, जब सभी संख्याएं हम वास्तविक ही हैं, तो उसकी जरूरत क्या थी? तो हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या है। वास्तविक संख्या सभी वो संख्याएं हैं जो तुम जानते हो, केवल एक संख्या को छोड़कर, और वो है करड़ी में माइनस वाली संख्या। करड़ी में माइनस वाली संख्या। अगर करड़ी में चार होगा तो वास्तविक है, अगर करड़ी में पांच होगा तो भी वास्तविक है, लेकिन अगर करड़ी में माइनस चार होगा तो ये काल्पनिक है। तो समझ आ रहा? Yes, अगर करड़ी में माइनस पांच होगा तो नहीं। अगर करड़ी में दस हुआ तो इट इज अ रियल नंबर, ठीक। और अगर करड़ी में माइनस दस हुआ तो ठीक ना? तो नेचुरल नंबर मतलब सॉरी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। समझ में आया? नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। अंतर समझ में आया? वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं हैं जो किसी नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती हैं, जो नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती हैं, ठीक। और ये है हमारी काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहा है ना? याद रखना, रूट में माइनस होगा तो काल्पनिक हो जाएगा, और बाकी सभी की सभी क्या होंगी? क्या ये बात समझ पड़ी? नेक्स्ट पढ़े। तो इसमें जब फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है तो वहां पे छोटा सा चीज आता है एचसीएफ और एलसीएफ। आगे एचसीएफ पहले स्टार्ट है, फिर बाद में है एलसीएफ, लेकिन हम आपको इन दोनों को साथ में ही समझाते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा मत करिए, किताब उताब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक किताब पढ़ेंगे, हम दस किताब पढ़ के बैठे हैं, किताब उताब घर पढ़िए, बंद करो सब किताब। हम जो लिखवा देंगे, जो लिखवा दिया उसमें आप जाइए घर पे चेकआउट करिए, अगर कुछ गलत लगता है तो आप कहिए, वैसे पाँच साल से पढ़वा रहे हैं कैसे गलत हो जाएगा, होगा ही नहीं। आओ एक एक खेला कुछ खेलते हैं, आ जाओ। इसको कट करना पड़ेगा इतना दूर। तो समझ में आया? Yes, sir. क्या बोले समझे हैं? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसमें पहला एक्सरसाइज जो है, उसमें पहला एक्सरसाइज का पहला कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम बताइए, ठीक। Yes, sir. तो अब सामान्यतः सभी लोग जो भी लोग पढ़ाते हैं वो सीधा बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है, और उसका क्वेश्चन दिया होगा तो ऐसे लगेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं वास्तव में इस एचसीएफ और इस एलसीएम का मतलब होता क्या है। इस एचसीएफ और इस एलसीएम का मतलब होता क्या है? हम पहले आप ये समझे, आप ये समझिए,
HCF का मतलब होता है महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे? यस सर। अब ध्यान देना, महत्तम और फिर समा और फिर अपवर्तक, ध्यान दो, महत्तम समा अपवर्तक और ये लघुत्तम समा अपवर्तक, लघुत्तम समा अपवर्तक, ठीक है? यस सर। महत्तम समा अपवर्तक और लघुत्तम समा अपवर्तक। अब हम बारी बारी इसके सभी टर्म्स को समझेंगे। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, समझा? यस सर। महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक या बड़े से बड़ा, कुछ समझ में आया? यस सर। अच्छा, समा का मतलब होता है समान, समा का मतलब समान, समान। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणक, तुम कह सकते हो अपवर्तक का मतलब गुणक। जैसे अगर पर पूछा गया पांच का अपवर्तक बताइए, पांच का अपवर्तक, पांच का अपवर्तक होता है पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, डाट 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 जिंदगी भर, तू समझ में आ रहा है? पांच का अपवर्तक पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, ऐसे ही पैंतीस, चालीस, डाट 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 जाता जा रहा, समझ में आया? यस सर। पांच की सभी अपवर्तक है, ठीक? यस सर। नेक्स्ट, तो क्या आपने महत्तम समझा? यस सर। मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, समा मतलब समान वाला, अपवर्तक मतलब उसके गुणक, ठीक? यस सर। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, लघुत्तम समा अपवर्तक, लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, समा मतलब समान, समा मतलब समान, अपवर्तक मतलब यह गुणक, समझ में आ रहा? यस सर। ये पहले इसका मतलब तो समझो, ये होता क्या है, समझ रहे हो? यस सर। ये क्या है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ये क्यों है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने महत्तम समा अपवर्तक और लघुत्तम समा अपवर्तक के बारे में आपको समझाया, क्या ये बात आपको समझ पड़ी? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नेक्स्ट पढ़ो, ध्यान देना। अब मान लो आपको जब महत्तम समा अपवर्तक या लघुत्तम समा अपवर्तक निकालना होता है तो आपको दो चीजें, दो संख्याएं मिनिमम दी होती है, मतलब दो संख्याएं कम से कम दी होंगी तभी तो उनका महत्तम या लघुत्तम समा अपवर्तक निकलेगा। यस सर। कम से कम कह रहे हैं, इसका मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? दो। ठीक। यस सर। तो मान लो सपोज कर लिया हमने कि आपको दो संख्याएं दी गई, एक पंद्रह और एक बीस, एक पंद्रह और एक बीस, ये दो संख्याएं आपको दी गई, ठीक है? यस सर। थोड़ी ठीक है, एक ये संख्या लेते हैं, चल थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, चलो ध्यान देना, पैतालीस और नब्बे, पैतालीस और नब्बे, ये दो संख्या हमने ली, ठीक? यस सर। अगर आपसे कहा गया इसका महत्तम समा अपवर्तक बताइए, इसका महत्तम समा अपवर्तक या इसका लघुत्तम समा अपवर्तक बताइए, मतलब अलग अलग दोनों, फिर से बोल देता हूँ, इसका कहा गया कि महत्तम समा अपवर्तक बताइए और या इसी का कहा गया कि इसका लघुत्तम समा अपवर्तक बताइए, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर आपसे कहा गया कि इसका महत्तम समा अपवर्तक बताइए तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समा अपवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, सुनाई पड़ रहा है? किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समा अपवर्तक, महत्तम मतलब बड़ा, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समा अपवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को काट देती है, कुछ समझ में आया? यस सर। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को काट देती है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समा अपवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को क्या करती है? काट देती है। ठीक है? Yes, तो आइए हम जरा महत्तम समापवर्तक इसका निकाल के दिखाते हैं। आप जानते हो तीन त्रिका नौ पचे पैंतालीस होता है ना? Yes, sir. तो हम पैंतालीस को लिख सकते हैं तीन गुणे तीन गुणे लिख सकते हो नब्बे, है ना? Yes, sir. तो आप ध्यान सुनो, पैंतालीस गुणे नब्बे होता है? Yes, sir. तो तीन त्रिका नौ पचे पैंतालीस गुणे दो
दिखाई पड़ा? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो ये है हमारा। तो अब आप कहोगे कि ये ध्यान समझो, हम ऐसे मौसा निकालते हैं, ठीक? जी सर। तो हम इसको कॉमन नंबर देके मौसा निकाल लेते हैं, लेकिन हम ऐसे बात न करें, हम ऐसे बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या। याद हुआ? समझ में आया? बड़ी से बड़ी कह रहा हूं, ठीक? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने इसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या हम दूसरे ऐसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए, क्या 45 और 90 दोनों 5 से कटेगा? यस सर। 5 नवा 45 है ना? यस सर। देखो, दिख रहा है? यस सर। ध्यान देखो, 5 नवा 45 और 90 भी 5 से कट जाएगा, 18 बचे 90। समझ रहे हो? यस सर। दिख रहा है? Yes, यानी क्या ये 5 एक संख्या जो दोनों काट देगी? यस सर। 5 के आगे देखते हैं, 6 से दोनों नहीं कटेगा? नहीं। 7 से दोनों नहीं कटेगा? नहीं। बोलो। नहीं। 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा? 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। 9 बचे 45, 9 दहा में 90। इसके आगे बढ़े? यस सर। इसके आगे बढ़े तो किससे कटेगा? 15 से। 15 दिया 45 है ना? यस सर। देख रहे हो? अब 15 छके 90, क्या 15 से भी कट रहा है? यस सर। अब इसके बाद तुम कोई भी 15 बार कोई भी संख्या तुम नहीं ऐसा पाओगे कि जो दोनों को काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, ध्यान देना है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। इसके बाद की जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी जो दोनों को काटेगी, वो खुद 45 ही होगी। समझ रहे हो? yes, और 45 के आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते हो। yes, क्योंकि अगर 45 के आगे 46 मान लो तुम जाना चाह रहे हो, तो 46 45 तो कभी काट ही नहीं पाएगा। yes, हो सकता है इसको काटे, लेकिन कभी इसको काट पाएगा क्या? नहीं। यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? दोनों का महत्तम समापवर्तक है कितना? 45। दिखाई पड़ा? ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, और साथ में ये भी काट रही है, लेकिन इनका मौसा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों काट देती है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है? 45। इसका एचसीएफ यानी मौसा कितना होगा? 45। क्या तुम वास्तविकता समझ पाए? यस सर। ये वास्तविकता है, ठीक है? यस सर। अगला बढ़े, ठीक? yes, हम निकालते कैसे, उसके हम रूल पे आएंगे। हम तुमको थियरी समझा रहे हैं, हम तुमको महत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिखाएंगे, ठीक है? yes, तुम पहले जानो तो ये क्या है, फिर ना उसको निकालने का मेथड समझोगे। अच्छा, yes, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, और समा मतलब समापवर्तक। ठीक है, अपवर्तक मतलब बड़ा बताया था। अब लघुत्तम समापवर्तक मान लो सेम इसी संख्या का 45 और 90 का लॉसर निकालने के लिए आ गया। लघुत्तम समापवर्तक क्या? ठीक। अब ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम माने छोटी, बोलो। यस सर। वह छोटी से छोटी संख्या जो या जिस ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है ना? yes, sir. जिसे ये दोनों विभाजित करते हैं। समझ आ रहा है? yes, sir. जिसे ये दोनों विभाजित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। याद हो रहा है? yes, sir. तो दिक्कत है? yes, sir. लघुत्तम समापवर्तक है। फिर से बताते हैं, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, जो इन दोनों को विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और वह छोटी से छोटी संख्या, जो छोटी से छोटी संख्या जिसे, यहां जो था और वहां जिसे है, समझे? yes, sir.
जिसे ये दोनों विभाजित करते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। तो ये किसे विभाजित करेंगे, दोनों को काटेंगे, तो सबसे पहले आएगा 90। देखो 45 भी 90 काट देगा, 90 भी 90 काट देगा। हां जी सर। बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? हां सर। इसके बाद जो दूसरा आएगा वो होगा 180, ये भी इसको काट देगा। 45 चौका 180 और 90 दुना दिख रहा है? फिर जो अगला आएगा, समझ रहे हो? यस सर। 270 देख रहे हो? ऐसे ही आगे बहुत सारा है, समझ रहे हो ना? लेकिन वो क्या कह रहा है, छोटी से छोटी ना, तो इनमें सबसे छोटी कौन है? 90। इनमें सबसे छोटी कौन है? 90। इनका एलसीएम कितना होगा? 90। और इसमें सबसे बड़ी से बड़ी कौन है? 40। इनका एलसीएम कितना होगा? 40। बताओ, क्या तुम समझ पाए? यस सर। कि वास्तव में एलसीएम और एलसीएम होता क्या है? यस सर। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं, बढ़ ले। यस सर। तो ये तो रहा है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने, मतलब उसकी परिभाषा हमने आपको समझाई कि वो क्या डेफिनेशन है उसका, वो कहना क्या चाहता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम आपको ले लिए, एग्जाम्पल हमने लिया, हमने एग्जाम्पल लिया बाबू की 135 और 225, जो कि फर्स्ट ईयर का पहला ही क्वेश्चन है। 135 और 225 का आप एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए? एचसीएफ। तो वो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पे भी आते हैं, चाहे आप समझा दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है? मान लो बालक आपसे कहा गया 5 में 27 में 5 का भाग दीजिए, 27 में 5 का भाग दीजिए, ठीक है? जब 27 में 5 का भाग देने की बात हुई तो 5 बचे, कितना बचा? दो बचा। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। जरा देखिएगा, ये जो पहला जो होता है कौन, जिसने भाग दिया है उसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? जिसमें गया है उसे क्या कहते हैं? धीमे धीमे बोले थोड़ा, भाजक। ये है भागफल, भागफल है, और ये है शेषफल, ठीक? यस सर। अब जरा देखिएगा बालक, क्या इसका इसमें गुणा करिए, 5 बचे 25, में 2 जुड़िए 27, तो क्या इसका इसमें गुणा करके शेष यानी 2 को जोड़ रहे हो, तो क्या ये मिल जा रहा है? हाँ, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि जो भाज होता है ना, बोलो, जो भाज होता है वो भाज गुणे भागफल धन, भाजक गुणे धन शेषफल होता है। क्या तुम ये बात समझ पाए? इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो ये तो बेमतलब है, अभी इसके बाद हम आगे करेंगे, अभी तो हम बेस में, ठीक है? समझ में आया? अब हमने कहा कि इस 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। कौन सी विधि, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको निकालने का आपको तीन विधि बताते हैं, तीन तरीके से, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड। ध्यान दीजिए, रूल नंबर फर्स्ट, आप दोनों को एक एक लाइन में लिख लीजिए, 135 और 225, ठीक? जिसको हम गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है? और बालक बराबर लिखे, इसका भी बराबर लिख लीजिए, कहीं बगल में ले जाके दोनों का एलसीएम निकाल लो, 135 हो गया और 225 हो गया, कितना हो गया? 225। समझ आ रहा है ना? 135 हो गया और 225। आप जानते होंगे जब किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो ऐसी संख्या 2 से कटती है। yes, sir. किसे कटती है? 2 से। और अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो हम ये संख्या को हम 3 और 5 से चेक करते हैं, 3 या किससे? 5 से। समझ
समझ में आ रहा है ना? आप बताओ कि इसके अंत में कितने क्या है? पांच। इसके अंत में पांच। तो हम तीन से चेक करेंगे फिर किससे चेक करेंगे? पांच। पहले तीन से चेक करते हैं, देखते हैं कटता है नहीं कटता है। तीन चौको 13 में से 12 का एक बचा 15 हो गया। अब 3 5 इसका मतलब है 3 से कट रहा है, काट दें। तीन चौको 1 बचा 15 हो गया। 3 5 तो समझ में आ रहा है? आपको नहीं लिखते हैं वहां, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एक 3 5 तीन पचे 5 एक समझ आ रहा है? 225 है कितना? 225। फिर देखते हैं 3 से 3 7 22 में से 21 गया 1 15 हो गया। 3 5 कहीं ऐसे भी कर सकते हो यार, 225 हो गया 3 से काट लो। 3 7 3 5 कितना आया? समझ में आया? और ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा। 3 2 3 5 अब 5 से कटेगा। 5 5 5 क्या समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर। पढ़ा ले? यस सर। तो हम 135 को लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 ठीक, यस सर। और 225 को लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 दिखाई पड़ा? यस सर। हम कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं? कॉमन। बताओ क्या दोनों के पास 1 2 3 है? यस सर। क्या फिर 1 2 2 दोनों के पास 3 है? यस सर। और 1 5 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब कहोगे एफसीएफ, क्या कहोगे? एफसीएफ मतलब वही महत्तम समापवर्तक। बोले जो कॉमन है लिख दो। क्या 3 कॉमन था? क्या 1 और 3 कॉमन था? क्या 1 5 कॉमन था? 3 3 9 5 ये तुम्हारा एफसीएफ। क्या रूल नंबर 1 समझ में आया? कितने लोगों को आया? ठीक। नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पढ़ लें। यस सर। आइए 135 और 7 में क्या है बाबू? ठीक ना? इसको तुम एलसीएम मेथड भी कह सकते हो। एलसीएम मेथड ऐसे आप एलसीएम निकाला करते थे पहले। अब वो संख्या पकड़नी है जिससे दोनों कटे, वो संख्या पकड़नी है जिससे दोनों कटे। हमने देखा था 3 से दोनों कट रहा था, तो क्या 3 पकड़ सकते हो? 3 पकड़ा। 3 4 12 3 5 15 3 7 21 3 5 15 हुआ। फिर वो संख्या पकड़नी है जिससे दोनों कटे, क्या 3 से भी दोनों कट जाएगा? काट लो। 3 का यहां 3 5 15 3 2 6 3 5 15 समझा रहा? फिर वो संख्या पकड़नी जिससे दोनों कटे, क्या 3 से दोनों कटेगा? नहीं। तो क्या पकड़ोगे? 5 से 5 3 15 5 5 25। अब एक ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 3 और 5 दोनों कटे, क्या कोई ऐसी संख्या है? नहीं। 3 और 5 दोनों कट जाए ऐसी कोई संख्या नहीं। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 3 भी आए और 5 भी आए, तो कोई संख्या नहीं। तो जितना आया वही तुम्हारा एफसीएफ है। क्या क्या आया है बोलो? 3 × 3 × 5 3 × 3 9 5 ये इसी का रूप है दूसरा तरीके से। क्या दूसरा रूप समझ में आया? यस सर। वही संख्या लेते हैं जिससे दोनों कटे, एक तो नहीं कटना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक। अब यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से वो लगाते हैं, तो उसको देखें। क्या दो संख्या थी? यस सर। सबसे पहले पता करो बड़ा कौन और छोटा कौन। बड़ा कौन है? बड़ा। 225 बड़ा है हाँ? yes, और 135 छोटा है। जो बड़ा होता है मुंह दही खुला होता है। ठीक। yes, अब 225 में भाग दो, किसका भाग दोगे? 135 का। अगर दूनी जाओगे तो 270 हो जाएगा। yes, तो 270 ज्यादा हो जाएगा। yes, एक बार जाओ कितना गए? 135। 5 में से 5 गया 12 में से 3 गया कट गया 90 आया। क्या ये इससे छोटा है? अब 90 भाग देगा किसमें? 90 दूना 180 बड़ा हो जा रहा है, तो 90 का यहां 90। ठीक है ना? कितना बच गया? 45। क्या ये 45 इससे छोटा है? 45 भाग देगा किसमें? 45 दूना 90 कट गया। बताओ काट के खत्म किसने किया? 45 ने पूरा काट के खत्म किया, इसलिए एफसीएफ कितना होगा? 45।
दिखाई दिया? यस सर। क्या तीनों रूल समझ में आए? यस सर। ये है हमारा एलसीएम। ऐसे ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड विधि, ये इसी का दूसरा रूप है, और ये यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम प्रॉपर्टी। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? ठीक, पढ़ ले। आप इसको ऐसे लगा सकते हो, तो अभी तो हम धीमे धीमे आगे टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल तीनों रूल समझ आए? इसको आप रफ पे नोट करिए, करिए नोट। सर ये तीन इसका एलसीएम होगा ना? क्या होगा?